अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल स्टाइल विद वरदा। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फ्रॉक से। ये है रेड कलर में। इसके ऊपर ये देखिए इसकी नेक लाइन है, इसका छोटी सी स्लीट रखी है। इसके ऊपर ये जो डोरी मिलती है गोटा या सिल्वर में, इसको मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, लेकिन ये लगवाई है। ये देखिए ये वाली डोरी है। फिर इसके नीचे ये शीशा लेस, मिरर लेस जो मिलती है उसके नीचे भी छोटे छोटे, ये क्योंकि छोटी बच्ची का है तो ये स्टोन ये टसन से लगवाए हैं छोटे छोटे। अच्छा, इसकी पेटी बनाई है। ये देखें इसके ऊपर भी यहाँ ये देखें बड़े बड़े बेल्ट्स, ये बड़े प्लेट्स डले हुए हैं। ये देखें ये वाले, और एक दो तीन चार पाँच छः फ्लेरी सी बन जाती है। ये देखें इसके घेरे पे दामन पे क्या किया है कि सेम वही लेस हैं। ये देखें ये देखें पहले लगाई वही जो गले पे लगाई है। फिर इसके पास जिगजैग ये वाली सिल्वर गोटी वाली मिलती बाज़ार से, ये वाली फिर वही सेम पहले दो फिर जिगजैग फिर रिपीट फिर शीशा लेस लगाई है। ये देखें और फिर सेम वही रिपीट किया है। ये देखें और लास्ट में ये करके और ये फिर ये वाले तीन तीन टसल्स से लगा दिए हैंगिंग के लिए। ये देखें और इसी तरह बाजुओं पर भी। ये देखें कुर्ता बाजू बना के फिर उसके ऊपर ये जिगजैग किया है, फिर उसके बाद वही गोटी वाली वो लगाई है। गोटी ये वाली मिलती है बाज़ार से, गुच्छी सी मिल जाती है, एक पूरा बंडल मिल जाता है। अच्छा, फिर इसके बाद शीशा लेस लगाई है, फिर वही सिंपल रिपीट, फिर उसके बाद जिगजैग, फिर एक वही सीधी सिंपल वाली, फिर उसके बाद जिगजैग, और इस तरह यही दोबारा बाजुओं पर भी रिपीट किया हुआ है। ये देखें ये इसकी ओवरऑल लुक है। ये देखें ये इसको मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं इस वाली लेस को, पर ये बहुत आजकल इन है हर सूट पे। गोटे का तो वैसे ही बहुत काम है। अच्छा, बैक पीछे से इन्होंने बिल्कुल सिंपल रखी है। ये देखें और इसके यहाँ पे सिर्फ वो जिगजैग बैक पे ऐसे लगवा दिया, और उसके ऊपर ये वाले हैंग जो टसल से लगवाए ये भी नहीं लगवाए। अच्छा, मैं आप इसको पजामा दिखाती हूँ। यहाँ से कम रखी है, वो फिटिंग रखी है, और नीचे आके बस ये फ्रंट पे ये देखें वही सेम लेसिस को रिपीट किया हुआ है। बैक पे कुछ नहीं लगाया हुआ अंदर वाली साइड पे, और ये फ्रंट पे आते हैं। पहले सिंपल वाली लगाई है, फिर जिगजैग, फिर सिंपल, फिर जिगजैग। ये देखें दोनों साइडों पे। दूसरे वाला कलर है, डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है। उसका थोड़ा चकोर गले में बना दिया था, और ये थोड़ा राउंड में है। इसके वही सेम वही लेस लगी हुई है, फिर जिगजैग लगी हुई है, फिर वही ये डोरी सी लगी हुई है, फिर उसके बाद जिगजैग लगी हुई है, फिर उसके बाद ये शीशा लेस लगाई हुई है, वही पट्टी है, लेकिन उसके ऊपर बड़े प्लेट्स डले हुए थे। यहाँ पे चूनट्स डली हुई है, ये देखें यहाँ पे बारीक वाली चूनट है, उस रेड की वाले के ऊपर प्लेट्स डले हुए थे। अच्छा, सेम वही रिपीट हुआ है। ये देखें पहले दो डोरी की दो लाइनें, फिर जिगजैग वाली डोरी, फिर उसके बाद शीशा लेस, फिर दो डोरी, फिर ये जिगजैग, फिर सिल्वर डोरी, फिर उसके बाद शीशा लेस, फिर दो डोरी, और फिर नीचे ये वाले टसल्स लटका दिए। और इसी तरह सेम बाजुओं पे ये देखें पहले ये डोरी, फिर उसके बाद जिगजैग, फिर डोरी, फिर जिगजैग, ये मिरर लेस, फिर उसके बाद ये डोरी, और फिर जिगजैग, और फिर ये इस तरह ये टसल दोनों बाजुओं पे। अच्छा, ये देखें इसका कलर ज़रा वो मेहंदी टाइप का होता है वो। अच्छा, इसके पीछे ये यहाँ पे लूप्स लगा के कट डाल लगा के दो लूप्स लगा दिए, साथ ही बटन लगा दिए, और बैक पे वही सेम। अच्छा, इसका ट्राउज़र बहुत प्यारा है, तो मैं वो आपको दिखाती हूँ। ये इसका ट्राउज़र है, उसके ऊपर लेस लगी हुई थी। इसके ऊपर उन्होंने क्या किया है कि डिब्बे की तरह डिब्बा, ये देखें इस तरह डिब्बे की तरह पिंटक्स डाले हुए। ये देखें इस तरह ऊपर सीधे ऊपर जाते हैं इस तरह। ये देखें ये लाइन देख रही, इस तरह करके सारे इस तरह ही जा रहे हैं। ये देखें यहाँ पे, और फिर ऊपर इन्होंने इस तरह सीधे सीधे डाल दिए जैसे डलते हैं नॉर्मली। ये कितने डले हुए हैं, ऊपर तक जाते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह इक्कीस 21 पिंटक्स डाले हैं, और ऊपर तक डाले हैं दोनों साइडों पर। ये देखें, और ये इतनी प्यारी शलवार ट्राउज़र लगता है पहना हुआ फ्रॉक के साथ, क्योंकि फ़्रॉक के ऊपर थोड़ा हैवी था और इसके ऊपर फिर मैंने ये वाला करवाया सिंपल, क्योंकि वो रेड वाला बहुत ज़्यादा हैवी लुक दे रहा है, और ये ज़रा थोड़ी सिंपल में आ जाएगा।
आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।